पहले क्या लिखा मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx 0 से लेके 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx 0 से लेके a तक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके a तक ब्रैकेट 2a - x dx, ठीक है, समझ गए। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ठीक है। चलिए अब इसे समझते किस तरीके से इसे प्रूव करना है। अगर यहाँ आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ मुझे दुखी कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही टर्म है जो मुझे दुखी कर रही है, दुख दर्द पूरा इस टर्म के कारण है, ये 2a - x है, ये इस टर्म के कारण पूरा दुख दर्द मेरे जीवन में, इसे प्रूव करने के लिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इस टर्म को ले लेते साइड में, ठीक है, इसे निपटा देते पहले। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा देखो, सबसे पहले शांति से इसे ऐसे कैसे हम लिख लेंगे, पहले तो हम ये वैसे कैसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ, चलो ये कॉपी कर लेते एक बार, ठीक है, ये हो गया, दिख रहा होगा ना आपको, ये यहाँ लिखता हूँ मैं i1 + i2, जैसा टेक्स्ट बुक का प्रूफ है वैसा करके देता हूँ, क्योंकि बोर्ड्स में टेक्स्ट बुक के प्रूफ ही चलते हैं, ठीक है, मैं खुद के मन से कुछ कर दूंगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए i1 तो मुझे बिल्कुल दुखी नहीं कर रहा है, ठीक है, इससे बात करिए, i2 मुझे दुखी कर रहा है, तो i2 को ले ले लो कुप्चे में साइड में कॉर्नर में, ठीक है। यहाँ हो गया 2a - x dx, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, 2a - x को ठीक करो, बिल्कुल चलो गुड कर लिया, ठीक है, आगे क्या करूँ मैं, सबसे पहले तो लिमिट लगाओ सर, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 2a, बिल्कुल। अब ये ब्रैकेट करने की आवश्यकता है, आपको समझ गया होगा ये कि यहाँ 0 लगा इसलिए यहाँ फिर भी कर देते हो, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू a, ठीक है, देन t इज इक्वल टू 2a - a हो गया, ठीक है, ये भी आ गया, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ। अब आगे इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, -dt इज इक्वल टू dx, बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा, कैसे हुआ देखो, इसका हो जाएगा dt अपॉन dx, इसका हो जाएगा 2a का 0 और ये -dx - 1, क्योंकि x माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1, ये -1, ये 2a का 0 हो गया, ठीक है, 0 - 1 इज इक्वल टू dt / dx, तो ये dx इधर आ गया, ठीक है, और ये माइनस इधर दे दो, -dt इज इक्वल टू dx, ठीक है, सब बोल सकते हैं जैसे पिछले इसमें क्या था, सेम टू सेम ही तो है बेटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे भी इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ मैं लिख सकता है i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिमिट कौन सा था, ये 0 इसका लोअर लिमिट था, तो 0 के लिए वैल्यू आई है 2a, तो 2a डाल दें, ठीक है। अब a इसकी अपर लिमिट थी, तो इसका अपर लिमिट a है, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट सॉरी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, a आ गया, ठीक है, a आ गया, a यहाँ डाला मैंने, तो a - 2 यहाँ a आ गया, ठीक है। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सेम टू सेम लिमिट है, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, एक बार जरूर वेरीफाई कीजिए चीज़ों को, वरना थोड़े से के लिए गलत ना हो जाएगी, है ना, कहीं देर ना हो जाए हमें। तो ये हो गया f(t), ठीक है, यहाँ देखेंगे हम f(t), ठीक है, तो यहाँ f नहीं दिया क्या मैंने, एक मिनट, यहाँ f देना आपने, ठीक है, यहाँ f देना, बिल्कुल हाँ f देना, यहाँ f दिया ही नहीं मैंने, चलो वही तो सोचू मैं क्या छोड़ दिया मैंने, सोच रहा हूँ क्या छोड़ा है, क्या छोड़ा, चलो यह एफ, ठीक है, यहाँ एफ दीजिए, यहाँ एफ दीजिए, यहाँ क्या, ठीक है, ये f(t) और यहाँ देखिए dx की जगह क्या आ गया था, dx की जगह -dt, ठीक है, -dt, अब ये -dt का माइनस बाहर दे देंगे, मतलब यहाँ से लिखेंगे dt, यहाँ देखें माइनस, क्लियर, चलो अब आगे देखिए, अब यहाँ इसे उल्टा कर सकते हैं, लिमिट को उल्टा हो जाता है, प्रॉपर्टी पता है आपको, प्रॉपर्टी नंबर सेट 2 थी, ठीक है, और आपको प्रॉपर्टी पता भी है तो आप प्रॉपर्टी लिख लेना, ठीक है, जैसे करोगे, यहाँ पहले 2a ऊपर, 2a का लिमिट ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और a का लिमिट नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा f(t) और वापस से dt, ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी आप लिख ही लो चाहिए तो, इंटीग्रेशन ऑफ a से लिखे b f(x) dx इज इक्वल टू, देखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी से लेके ए f(x) dx, प्रॉपर्टी का एक बार लिख दिया करो, ठीक है। चलो अब यहाँ हो गया आता, यहाँ देखिए i2 इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे आप x लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो चेंज हो सकता है ना, कुछ भी वेरिएबल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसे, तो f(x) dt आप दे सकते हैं, सॉरी dx, वेरिएबल दोनों चेंज होंगे, ठीक, यहाँ नहीं लिख सकते उस तरीके से, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट वे, यहाँ अकेला है ना वेरिएबल, तो उसे चेंज किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट में तो वैल्यू पुट करेंगे a = 2a, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, ये मैंने प्रूफ करके दिया आपको। अब यहाँ हम लिख सकते हैं इसे नंबर दे दो, इसे नंबर 2 दे दो, ठीक है, तो ये और ये अगर ऐड करोगे, ठीक है, तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2, ये समझ गए ना, ये कैसे आया, ये पूरा मैंने बताया, ठीक है, यहाँ चाहो तो प्रॉपर्टी लिखो
कि एफ ऑफ एक्स टी इंटीग्रेशन ए टू टू ए या ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी, मतलब वेरिएबल्स पे फर्क नहीं पड़ेगा वो प्रॉपर्टी, ठीक है आप प्रॉपर्टी यहाँ लिख लीजिए, ठीक है यहाँ साइड में लिखिए इस बॉक्स में, ठीक है चलेगा वैसा क्लियर। अब देखिए मैं यहाँ इनको ऐड करने जा रहा हूँ दोनों को, ठीक है तो यहाँ मैं आई टू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है आई वन तो वैसे का वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, ए जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है इज इक्वल टू यहाँ देखिए एक मिनट जीरो से लेके एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद हम लिख लेंगे प्लस प्लस यहाँ देखिए इसका क्या हो गया, ये हमने अभी चेंज किया यहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गई है जर्नी, ठीक है और यहाँ तक पहुँच गए, ये हमारा फाइनल, ठीक है यही तो है ना आई टू, तो आई टू तो यही है, ये लिखेंगे उसके जगह क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन टू ए से लेके ए तक, ठीक है एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी जिसमें अगर ऐसे ब्रेक होता है, ठीक है ए से बी तक को हम ए से, याद है आपको ए से बी तक बीच में सी लाया था हमने, तो अगर ये कंटिन्यूस है, ठीक है लिमिट कंटिन्यू है, देखो ए ओ ए और टू ए हमारे सी लाया उसमें, तो भी एटलीस्ट हमें बीच वाली चाहिए, अगर ऐसे समझ लो ए और बी का क्लोज इंटरवल, तो यहाँ हम ए और सी और बी ले सकते हैं, अगर सी और ए के सॉरी सी ए और बी के बीच में, ठीक है समझ रहे हो, तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ठीक है वैसे तो बाहर की भी चलती है लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ उतना ही, तो हमें उतना ही लिखना है, ठीक है चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो इसे हम कंबाइन करके लिखेंगे टू ए जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बिल्कुल क्योंकि ए बीच में आ रहा है, ठीक है ऐसा बोलेंगे कि ए लाइज बिटवीन जीरो एंड टू ए, ठीक है चलो, तो यहाँ हमने ये प्रूफ कर दिया और यही तो हमारी प्रॉपर्टी थी, देखिए ये प्रूफ करना था और किसके सहारे किया आई वन और आई टू, ठीक है तो मैं एक बार थोड़ा मार्किंग कर देता हूँ आपको ध्यान से समझेगा, देखिए ये पूरा हमारा आंसर है, ठीक है ये पूरा हमारा आंसर है, ठीक है ये पूरा प्रूफ है इतना, ठीक है और इसमें मेन दो चीजें, एक ये, ठीक है एक ये देखना, एक ये देखना और एक ये देखना, ये प्रूफ है, ये हेंस प्रूफ, यहाँ हेंस प्रूफ लिख लो हेंस प्रूफ, ठीक है चलिए तो इसे नोट कीजिए बच्चों, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी, अच्छी तरीके से हमने प्रूफ भी किया, एक बार जरूर देखिए बढ़ते